केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने नालंदा जिले में मुस्तफापुर गांव में रविवार को ईद मिलन समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में राजनीतिक सवाल पूछे जाने पर आरसीपी सिंह ने मीडिया को नसीहत दी। सिंह ने कहा कि मीडिया कर्मी सुबह उठते हैं और अपना टीआरपी बनाए रखने के लिए कयास लगाना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया भाजपा जदयू के संबंधों पर सवाल उठाकर टीआरपी बना रही है। सिंह ने कहा कि एनडीए की सरकार आम लोगों के हितों के लिए काम कर रही है। अरे संकेत क्या है, देखो दिक्कत मैंने बोला था जवानाबाद में कि आप मीडिया के साथ ही सवेरे उठते हैं और बिहार में एजेंडा क्या सोच सेट करते हैं कि आज मुख्यमंत्री जी पर क्या बयान देना है, टीआरपी बना रहे, जनता दल यू बीजेपी के रिश्ते पर क्या दिया जाए, टीआरपी बना रहे। श्रीमान जी, मेरा आप लोगों को सबसे अनुरोध होगा मीडिया के साथ, बिहार को हमारे नेता ने एक मुकाम तक लाया नीतीश बाबू। आज केंद्र में भी अपनी सरकार है, राज्य में अपनी सरकार है, सबसे बड़ी समस्या क्या है देश के सामने और प्रदेश के सामने, बेरोजगारी। कैसे युवाओं को रोजगार मिले, इस पर चलो ना। दिन भर घूम करके कि फलाने ने ये बयान दिया, उसने ये बयान दिया, बाबू उसके लिए मुझे फुर्सत नहीं है, बहुत लोग इसके लिए उपलब्ध है, उनसे मांगिए। सर बेरोजगारी पे बात दिया, हो गया बात। वहीं रविवार को आयोजित ईद मिलन समारोह में शामिल सभी लोगों को आरसीपी सिंह ने बधाई दी। सिंह ने कहा कि इंसान का सबसे बड़ा धर्म सेवा है। उन्होंने कहा कि एकता और भाईचारे से ही भारत विश्व शक्ति बनेगा। क्या इसका उद्देश्य है? देखिए आज हम लोगों ने, आपको पता होगा कि ईद तो गुजर गए, 3 तारीख को ईद थी, तो हमारे जितने भी बिहार भर के हमारे साथी हैं जिनका हमसे ताल्लुकात रहता है, जो हमारे संगठन में काम करते रहे बरसों से, तो मुझे लगा कि भाई ईद का जो इतना शुभ दिन होता है तो एक ईद मिलन के रूप में हम लोग इसको मनाएं। और आज रविवार का दिन है, संडे का दिन है, तो इसलिए हमने सब जितने हमारे साथी हैं उनको यहाँ बुलाया और सबको ईद की मुबारकबाद देने के लिए बुलाया है। और हम लोग यही चाहते हैं कि भाई जो हमारा ईद जो खुशियों का त्यौहार है, इस सबके जीवन में अनंत खुशी लाए और अल्लाह ताला की असीम कृपा सब पर बनी रहे और समाज में पूरा सामाजिक सद्भाव, सांप्रदायिक सौहार्द कायम रहे, जिससे कि हमारा जो मुल्क है, हमारा जो हिंदुस्तान है, दुनिया में अव्वल नंबर पर। यही इसी उम्मीद के साथ हम लोग सब लोग आज इकट्ठा हुए हैं और सब लोग मिलकर के फिर आज एक संकल्प लेंगे कि हम सब लोगों को बिल्कुल भाई भाई की तरह रहना है, आपस में सबको सहयोग करना है। और जो इंसान है उसका सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? सेवा। तो सेवा की भावना से हम लोग काम करते रहे हैं, आगे भी काम करते रहेंगे। और हम सब लोगों का लक्ष्य कि हमारा जो हिंदुस्तान है नंबर एक का मुल्क बने और हमारा जो सूबा है बिहार वो भी एक विकसित प्रदेश बने। यही हम आज सब लोग ईद के अवसर पर एक दूसरे को बधाई भी दिए हैं और यही हमने अल्लाह ताला से कामना। बिहार में लंबे समय से नीतीश बाबू के हाथ में सत्ता की कमान रही है, लेकिन इसके बावजूद बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई प्लान नहीं तैयार किया गया है। ऊपर से जेडीयू में नंबर 2 पोजीशन के लिए जबरदस्त रस्साकसी चल रही है। इससे आगे जाकर जेडीयू ने पोस्टर में केवल नीतीश कुमार का ही फोटो लगाने का सख्त निर्देश जारी कर दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नालंदा से महमूद आलम की रिपोर्ट।